बिसम रही सो वी आर डूइंग एडवांस लेवल स्ट्रेटेजी जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वारंट्स जिसमें हमने देखा था वारंट्स आर वेरी मच लाइक ऑप्शन उसकी हमने कुछ बात की थी बट दे आर नॉट एक्चुअली ऑप्शन देर आर मैनी डिफरेंसेज वी नीड टू नो तो आज हम उन डिफरेंसेज को कुछ हमने जो डिस्कस किए हैं और कुछ हमने बाकी हमने कहा था कि विल डिस्कस दैट इन अ सेपरेट वे तो हम इसको कैटेगोरी देखेंगे कि इनमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है वाई वी आर नॉट कॉलिंग ऑप्शन और वारंट और वारंट्स आर ऑप्शन वट इज़ द फैक्टर दैट डिफ्रेंशिएट द टू दैट वी नीड टू नो इसमें आप देखें मीनिंग वाइज ऑप्शन बायर हैज द राइट टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसिड एट अ प्री डिटर्मेंट प्राइस एंड डेट वेयर आज इन वॉरेंट इंस्ट्रूमेंट गिविंग द होल्डर राइट टू गेट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर एट अ प्री डिटर्मेंट प्राइस एंड डेट सो दोनों के डायनेमिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है नेचर ये हमारे जो ऑप्शन हैं दे आर वेरी स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज वारंट्स आर नॉट नेसेसरली स्टैंडाइज दे कैन भी हमने बात की थी कि ओ में ज़्यादा ये ऑपरेट कर रहे होते हैं अंडरलाइंग एसेट्स ऑफ डोमेस्टिक शेयर्स बॉन्ड्स वेरियस इंडस ऑप्शन में हमारे पास ये होते हैं वेयर एज इन वारंट्स करेंसीज और इंटरनेशनल शेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा वारंट्स पे काम होता है वो सब पे ज़्यादा सकता है दूसरों में भी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि मेनली मार्केट्स में ऑपरेशन किस पे ज्यादा हो रहा होता है इश्यूअर ऑप्शन के केस में ऑप्शन एक्सचेंजेस होती हैं और नॉर्मली इन केस ऑफ कन्वर्टेबल्स ये वो वारंट्स कंपनीज होती हैं स्पेसिफाइड जो कि वो इशू करती हैं ओनरशिप ऑप्शंस में नॉर्मली जो एम्प्लॉज हैं जो एक्सचेंज के जो बॉडीज हैं वो उसको कर रहे होते हैं वेयर आज इन केस ऑफ वारंट जो वो वारंट होल्डर है या जो कंपनी है वो पार्टनर है इन्वेस्टर दे आर द रियल ओनर्स ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट टर्म्स ऑप्शन की जो टर्म्स होती हैं दे आर बींग सेट बाय एक्सचेंजेस क्योंकि एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं वेयर एज़ वारंट्स की टर्म जो हैं वो ईशर डिस्क्राइब करा होता है अब यानी कि अगर आपकी एम बैंक का वारंट है तो वो एम ग्रुप डिसाइड करेगा या निषाद ग्रुप डिसाइड करेगा कि हमने उसको क्या रखना है वेयर एज जब किसी और uh, मेज़ान का लेट से अगर वारंट आता है तो दैट कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एम वन तो इसमें जो इश्यूअर स्पेसिफिक रोल है या उनकी जो डिज़ायर है वो ज़्यादा कैप्चर की जाती है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इक्विटी एंड इंडेक्स कॉल्स पुट इसमें वेरियस कैपिटल गारंटीड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर हाई रिस्क रिटर्न ट्रेडिंग वॉरट्स तो हमने पहले बात की है रिस्क रिटर्न एलिमेंट इसमें ज़्यादा है तो इसमें सिंपल वो नहीं है जस्ट लाइक कॉल्स और पुट्स नहीं है बट हमारे पास इसमें गारंटीड और बैक्ड भी हैं जैसे इनको तो हम कवर्ड भी कहते थे लाइफ स्पैन इक्विटी टिल फाइव ईयर्स और इंडेक्स टिल एटीन मंथ्स इनका नॉर्मल साइकिल जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है वेयर एज इट के अदरवाइज अराउंड इट कैन बी थ्री मंथ फिफ्टीन मंथस और इवन ये थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाता है यानी कि दोनों के लाइफ स्पैन भी वेरी कर जाते हैं डायल्यूशन ऑप्शन में डज नॉट इन्वॉल्व इशुएंस ऑफ न्यू स्टॉक जो ऑलरेडी स्टॉक्स हैं उन्हीं पे ऑप्शन चल रही होती हैं तो वो वहाँ पे डायल्यूशन वाला एलिमेंट नहीं होता जबकि के वॉरेंट्स के केस में जो है नई कंपनी इशू शेयर करती है तो डायल्यूशन वाला कॉम्पोनेंट आ जाता है तो दैट्स मेजर डिफरेंस इसका एक ये भी है तो ऑप्शन वर्सेस वॉरेंट्स की हमने जिस तरह बात की देर आर मच डिफरेंसेस जो उनको इसीलिए दे अपनी स्पेसिफिक मार्केट्स में ट्रेड कर रहे होते हैं देर आर वेरी मच सिमिलैरिटी एज वेल दोनों सिमिलर लाइंस पे वर्क कर रहे होते हैं वो ऑफर होल्डर्स ऑपरचुनिटी टू इनहांस देयर एक्सपोजर एंड टेक एडवांटेज ऑफ स्टॉक मार्केट दोनों के दोनों के जो थीम है वो यही है कि आप मूवमेंट uh, से एडवांटेज ले सकें और ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है ये राइट right है दे देक ऑनगर ऑन होल्डर द राइट टू परचेज स्पेसिफिक क्वांटम यानी कि आपको वो राइट right दे रहे हैं ऑब्लिगेशन वाली बात इसमें नहीं है बोथ रिप्रेजेंट अ राइट एंड नॉट एनी कंट्रोल ओवर द प्रिंसिपल अनलेस इट हैज़ बीन एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर लिया तो फिर तो शेयर ले लिए तो फिर तो आपकी होल्डिंग चेंज होगी अदरवाइज ये दोनों ही आपको चॉइस दे रहे हैं तो ये दोनों इनमें अब ये सिमिलर बात ये है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वैल्यू ऑफ ऑप्शन आर सेम यानी कि जो उसको इंपैक्ट करते हैं वो इसको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं कि अंडरलाइन स्टॉक कौन सा है स्ट्राइक प्राइस क्या है टाइम कितना है वॉल्टिलिटी उनमें कितनी है और रिस्क फ्री रेट क्या है तो ये कॉम्पोनेंट ऑप्शन को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं और ये वॉरेंट्स को भी इम्पैक्ट करें तो अब पहले हमने बात किए थे डिफरेंसेस के अब हम थोड़ी उनकी सिमिलैरिटीज़ की बात करें कि हाउ दे आर लाइकड और लिंक्ड विद ईच अदर बोथ हैव सेम कंपोनेंट इन टर्म ऑफ प्राइसिंग दैट इज़ इंस्टेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दो एलिमेंट होंगे एक इंट्रेंसिक वैल्यू होगी और एक टाइम वैल्यू के किस पीरियड के लिए वो रहे हैं इंटरेंसिक वैल्यू क्या है उसकी उसकी प्राइस का और उसकी जो एक्स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है दैट इज़ इंटेंसिक और जो पीरियड को कैप्चर कर रहा है वो उसका इम्पैक्ट है वो उसमें बिल्ड इन हो जाता है अभी हमने इसी तरह देखा था, था, था कि कई इन द मनी थे कोई आउट ऑफ मनी थे वो इंटरेंसिक वैल्यू की बेस पे ये पार्ट होता था तो इन नट शेल वो दीज डेरिवेटिव आर इसेंशियल फॉर बिजनेस परमिटिंग इन्वेस्टर फॉर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन स्टॉक विदाउट होल्डिंग सिक्योरिटी क्या आप स्टॉक मार्केट में या किसी इंस्ट्रूमेंट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं और अभी आप पूरा शेयर या पूरा बॉन्ड नहीं इन्वेस्ट करना चाहते अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो दे बोथ गिव यू एंट्री पॉइंट आपके लिए एक ऑप्शन दे देते दे हैं और आप उसमें यू कैन टेक द एक्सपोयर गेन रिटर्न आउट ऑफ इट और दोनों में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं कुछ डिफरेंस हैं दैट्स वैद दे हैव देर ओन सेपरेट डायनमिक्स थैंक यू